दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। कोई भी पत्रकार अगर अनियमितता पे बात करे या कहे कि किसी प्रकार के क्राइम पे बात करे, उस पर जानलेवा हमला होगा। हर हमला में सीधी फायरिंग होगी। राजा जो जन जन जागरण में क्राइम रिपोर्टर देख का पदभार संभालते हैं और अच्छा खासा काम भी करते हैं, लगातार अनियमितताओं को लेके, खासतौर से खनन माफियाओं को लेके वो आवाज़ उठा रहे थे, और दूसरा प्लॉटिंग माफियाओं को लेकर उन पर गांव से आते समय मसौरा से थोड़े आगे उन पर जानलेवा कहीं फायरिंग की गई है, गोली चलाई गई है, और उसमें उनकी गाड़ी को कांच में गोली लगी है। वो बाल बाल बचे हैं, जो उन्होंने बताया है कि तकरीबन 5-6 लोग थे, पहचान नहीं पाए हैं, अंधेरे का समय था। मौके पर पुलिस पहुंची है, छानबीन कर रही है। तो ललितपुर में जो स्वतंत्र आवाज़ है, जो आवाज़ उठाते हैं माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, अब उन पर फायरिंग की जा रही है। गुंडों से, ऐसे माफियाओं से सबकी आवाज़ इतनी आसानी से दबती नहीं है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।